शुरू करने जा रहे हैं डिमांड से रिलेटेड, जो हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट था उससे इंटरव्यू में ये टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात की आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। तुम्हें हमने अभी तक डिमांड में क्या स्टडी किया था कि डिमांड का लॉ क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर एक क्वांटिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। इसके थ्रू
तो ये आपके दो वेरिएबल्स हैं। हमने तो फॉर्मूला सीखा कि जब क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो हमारा
अप्लाई किया जाता है। ओके, दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देखे कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब आगे हम कर रहे हैं कि डिग्री कौन कौन सी डिग्री होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो हम अब डिस्कस करेंगे। अब हम जो है डिग्री देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कौन कौन सी रहती है, ये मेरे ख्याल आपको बहुत अच्छे से समझ आते होगा। प्राइस के बिल्कुल चेंज नहीं हुआ बट जो क्वांटिटी डिमांड
ओके। अब नेक्स्ट कौन सा होता है, रिलेटिवली लास्टिंग या हाईली लास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है सेकंड पॉइंट, रिलेटिवली लास्टिंग और हाईली लास्टिंग। That means your philosophy of demand is greater than one. अब ये क्या कहता है आपका, a small change in price, कि बिल्कुल थोड़ा सा change चला price में leads to great change in quantity demand. एक्सपेंडिचर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। देखिए और ये वाली जो इलास्टिसिटी आपको कहां मिलती है, लग्जरी गुड्स में चलते हैं तो मिलती है कहां पे, लग्जरी गुड्स में, ठीक है। वहां पे आपको ये वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो ये है ओपी और ओपीओ में डिमांड था, ये हमारी प्रपोजल चेंज है, ठीक है। और ये किया जाता है। देखिए इसको एक बार अच्छे से कि रिलेटिवली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक क्या रहता है, उसके बाद हम थर्ड डिस्कस करेंगे। अब हम करते हैं हमारे थर्ड डिग्री यूनिट्री इलास्टिक।
ठीक है, यूनिटरी क्लासेस की डिमांड करते हैं हम, यूनिटरी क्लासेस की डिमांड क्या होता है? ओके, प्राइस आपका कम होगा।
हैं अब हम, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप। अब हम करने जा रहे हैं इनइलास्टिक डिमांड। Thank you.
जीरो लॉसेस हो चुके हैं। दैट मीन्स आपका ईडी जो क्या है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ईडी जो और आपका वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये सिचुएशन क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू प्राइस। कि प्राइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज अपना होमवर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।